की जो मीडिया सोल्ड आउट हुए 7 करोड़ 4 लाख रुपए। सच्ची यार जी सर, मजाक तो देख ले, आप झूठ ना बोले, मेरे पास गूगल वगैरह नेट वगैरह सब कुछ है। यही मजा है, आप गूगल करके अभी चेक करो, पता लग जाएगा। चेक करो यार, अभी बताओ इनको, ये जो इन्होंने ड्रामा बनाया है ना सोशल मीडिया पे कि ये हो गया, सारे अपनी तरफ से करते हैं, अभी सब पता ही करते हैं। सही बात, ये सर्च करो ना, यार सच्ची में 7 करोड़ के, ये देखो 7 करोड़ के हमें, हमें क्या बात, हां शॉकिंग है। हां यार क्या बात है, वाह गुड यार, ये तो हम सोच भी नहीं सकते पीएसएल में इतने में कभी जाएगा। आपके लिहाज से क्या पीएसएल आईपीएल लेवल का किस दौर में जाके, तो कितने अर्सा लगेगा हमें आईपीएल को बीट करने में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नामा में। दोस्तों वुमेन्स आईपीएल के मीडिया राइट्स 7 करोड़ 40 लाख रुपए में बिके, जबकि पूरे पीएसएल का मीडिया राइट्स जो है 2.04 करोड़ में बिके थे। वुमेन्स आईपीएल के मीडिया राइट्स पीएसएल से 3 गुना ज्यादा है। इस खबर को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो के। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी नहीं, हाँ मुश्किल है, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ में नहीं कर सकता। हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट होने पे आ रहा है। यार वोमेन आईपीएल देखो ना, वो इतना लाइक हमने कभी आपके सामने क्रिकेट चल रहा हो, हमने कभी वोमेन नहीं देखा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा कितने के होंगे वोमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स 7 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए? ये कैसे हुआ है, कब हुआ है? ये रात को हुआ है, ये आज रात को ही हुआ है वाकई। नहीं कैसे, जो पाकिस्तान के पीएसएल की मीडिया राइट्स है वो 2.5 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं और उनका वुमेन हमारे से हाई जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा कसूर है, असल में ये कसूर ही हमारा है। वजह ये है क्योंकि अब जैसे कि वो अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हम ये है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि 2-4 सड़कें बना दी हमने और हम अपने आप को कहते हैं कि लो जी हम पूरे मुल्क को सीधा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि वो अपने मुल्क को प्रमोट इस वजह से कर रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली है, वो उनके प्लेयर्स कितने महंगे बिकते हैं। यार जितना पूरी पाकिस्तान की पीएसएल का बजट होता है ना, तो उतना तो उनकी एक टीम आ जाती है। और आईपीएल बहुत हाई लेवल पर तो भाई वो बिजनेस करते हैं, मेन आइडिया बिजनेस होता है। जैसे भी उनके बड़े बड़े स्टार तो उनकी टीमें खरीदते हैं, कोई शाहरुख खान खरीद रही, कोई प्रीटी जंटा टीम खरीद रही है, कोई उनके बड़े बड़े स्टार टीम लेते हैं, अंबानी की शायद कोई स्पॉन्सर, टाटा मेन स्पॉन्सर बन गया आईपीएल का, पहले हुआवे था, चाइना था, अब उन्होंने कहा हम अपनी टीमों को अपनी प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट करेंगे। तो और क्या, टाटा की कारें देखे हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं और वो भी ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। टाटा के तो अब तो बाहर इतने ज़्यादा बिजनेस है भाईजान, टाटा महिंद्रा उनका अपना ब्रांड है। हम तो देख रहे हैं, हम तो चीज़ें जापान से मंगवाते तो हमें तो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें उनकी अपनी प्रोडक्शन, उनके अपने प्लेटफॉर्म है। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत क्लास के हैं, जैसे आप देख लेंगे उसमें एक फैमिली है अंबानी टाइप की, उनकी वाइफ आईपीएल को होल्ड करती है मुंबई इंडियंस को ना, तो उनके जो असासे देखो ना, उनके इतने पाकिस्तान में असासे नहीं है जितने एसेट जो होते हैं, तो जितने एक फैमिली के हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह वहाँ इन्वेस्टर्स हैं और यहाँ के इन्वेस्टर जो मुल्क का मतलब है एक किस्म का दिवालिया निकला हुआ है, इस वजह से इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते नहीं। हाँ देख लें आप 2.4 आप बता रहे हैं और इंडिया की वुमेन की 7 पॉइंट कुछ है, कितने बड़े रेशियो है, 5% ज़्यादा उनसे। अच्छा ब्रदर, सीन ये है कि उनके पास हैं अपने इन्वेस्टर, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कितने इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में अपने प्लेयर्स पे, अपनी बहुत सी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है, हमने अपना पैसा साइड पे लगाना है, करप्शन करनी है और साइड पे। इमरान खान क्यों पीटता है आपको पता है इस बात का? वो इसी वजह से पीटता है, ये मुल्क को लुट के खा गए हैं गंजे, ठीक है, इमरान खान इस वजह से पीटता है। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही समझदारी से चलते हैं, ठीक है, अपने पैसे को उनको लगाने का तरीका आता है, अपने प्लेयर को महंगा खरीद के उनकी वैल्यू भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो इतना कमाते भी हैं। और हमारे मीडिया राइट्स इतने लाइक उनकी लड़कियों के देख लें और हमारे देख लें, ये हम खुद मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप होता है ना, तब इंडिया के मतलब के लड़कियों का मतलब के क्रिकेट मैच में इतने लोग मौजूद होते हैं, यानी कि शौक हुए थे कि इतनी लड़कियों का मैच हो रहा था, इतने लोग इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पे लड़कियों का मैच होता है किसी बंदे ने दिल लगा के लड़कियों को देखना ही नहीं है, स्टेडियम पे मैच हो रहा है, इंग्लैंड से हो रहा है, किसी भी हो रहा है कंट्री से हो रहा है, तो वहाँ पर 10 से 15 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठे होंगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब अगर वुमेन लीग हम पाकिस्तान में करते कोई देखने नहीं जाएगा? सही बात है, अगर वुमेन कोई देखना क्रिकेट खेलना, कोई खाला जी का वारा तो नहीं ना, पंजाबी की मिसाल है, लड़कियों की हिम्मत है वो भी मतलब के चैलेंज करती है अगली टीम को, हालांकि हम हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वो कहते हैं कि फाइबर वगैरह नहीं है, लेकिन उनके पास डाइट वगैरह ऐसी वैसी चीज़ें हैं कि वो खेल सकती हैं, लेकिन शिकस्त दे देती हैं हमारी क्रिकेट टीम की लड़कियाँ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, काफ़ी चीज़ें कोई मतलब कि कमी है।
इंडिया के आईपीएल को पीएसएल के साथ कंपेयर करना सरासर बेवकूफ़ी है। मतलब उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है यार, उनमें उनके पास पैसा बड़ा है, उनके पास बिजनेस बड़ा है, पूरी दुनिया से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं और ग्राउंड की टिकटें धड़ाधड़ सेल हो जाती, ब्लैक में बिकती है और पाकिस्तान के पीएसएल को देख ले आधी चेहरे तो खाली पड़ी होती हैं। तो यार आईपीएल को पीएसएल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए यार। ब्रदर सीन ये है कि जितने में लाइक उनकी जो आईपीएल की टीम खरीदी जाती है ना, उतने में हमारा पूरा पीएसएल हो जाता है और हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले अपने मुल्क को ठीक करें, ठीक है, क्योंकि हम मुल्क को लाइक डिफ़ॉल्ट होता हुआ देख रहे हैं, फिलहाल यही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल भी चाहती है कि हमारे अपने मुल्क को हम ऊपर जाता हुआ देखें।